तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो इससे पहले कि मैं तुम लोग को प्रीव्यू दिखाऊँ और ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये जो इफेक्ट है वो हेडफोन में, और अगर आपके पास कोई सिस्टम है घर में अच्छा सा होम थिएटर, तो उसमें जो बढ़िया सा बेस वाला होगा तो उसमें बहुत ही बढ़िया सुनाई देगा, या फिर हेडफोन लगा लो। और एक चीज़ बता देता हूँ गाइस कि अगर आप एडिटर नहीं हो, मोंटाज एडिटर नहीं हो, फिर भी ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट आएगा ना, जो अगर हेडफोन में लगा के या फिर आपके पास सिस्टम है उसमें लगा कर, आप वो जो इफ़ेक्ट लगा कर कोई भी सॉन्ग वगैरह को जो प्ले करोगे ना गाइस, इतना बढ़िया मज़ा आएगा ना, तुम लोग को क्या ही बोलूँ। तो चलो प्रीव्यू देख लो, उसके बाद में ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ से आप लोगों को दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी, एक है ऑडियो लैब, आप लोग सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ऑडियो लैब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और एक MP3 वीडियो कन्वर्टर। आप यहाँ पर लिखोगे, कोई सा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो टू MP3 कन्वर्टर, मैंने ये वाला कर रखा है, आप चाहो तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे मर्जी वीडियो टू MP3 कन्वर्टर जैसा भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइनमास्टर में जाना है, ये दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, तो जितना भी आपका सॉन्ग है वो आपको यहाँ पर ले लेना है, उसको कटवर्ट करके बरूबर से अरेंज कर लेना है जितना आपको चाहिए। ओके, तो अभी देख लो, सुन लो कैसा है। ये ऐसा कुछ है, अभी इसमें इफेक्ट नहीं है, तो वो जितना चाहिए उतना आपको ले लेना है, उसके बाद में आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है, कोई भी क्वालिटी पे करो चलेगा, 30 FPS, 60 FPS, जैसी मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया मेरा एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर नाम देख लेना फाइल का क्या है, यहाँ पर मैंने ऑडियो फॉर ट्यूटोरियल 1080p1 मैंने ये जो फाइल का नाम रखा है वो। तो अभी इसको बैक कर लेना, आपको जाना है तो ये MP3 कन्वर्टर में, वीडियो टू MP3 कन्वर्टर ये रहा, वहाँ पर जाकर उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पर ऊपर ही आ चुके हैं, तो ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज में जाना है, अगर आपको कुछ यहाँ पर नाम वाम करना है चेंज तो कर लेना। यहाँ पर जाकर इस पर ये जो कॉपी AAC लिखा है ना, यहाँ पर जाकर आपको MP3 सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ से अगर आप लोग बिटरेट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वरना ये भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करना है, ये कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया मेरा कन्वर्ट। ये ऊपर स्टेटस बार में आप लोग देख सकते हो ऐसा लिख के आ जाएगा। तो ये जैसे कन्वर्ट हो जाए तो आपको फाइल नेम याद रख लेना है, ये ऑडियो फॉर ट्यूटोरियल 1080p1 ये फाइल नेम है। तो आपको ये ऑडियो लैब जो मैंने बताया था उसको ओपन करना है, फिर यहाँ पर जाकर आप लोगों को इसमें एड्स बहुत सारे आएंगे गाइस, तो ये चालू करने से पहले नेट बंद कर लेना, वरना इतने एड्स आएंगे परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर जाना है साउंड मास्टरिंग में। ओके, साउंड मास्टरिंग में जाना है, तो यहाँ पर देखो ऊपर ही मेरा ये जो आ गया है, वरना यहाँ से आप लोग सर्च भी कर सकते हो जो भी आपका फाइल है। ओके, तो ये रहा, अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसा है। तो ये ऐसा है, तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है, रेजोनेंट लो पास फिल्टर आप लोगों को दिखाई देगा, ये यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है, और ये जो बीच में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिख रहा होगा, तो इसको आपको लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर डाउन साइड में आपको लेके जाना है, यहाँ पर इस तरह से। तो आप लोग देख लेना, लेफ़्ट साइड में इसका जो मतलब जो बेस है वो फिल्टर आता है, तो आपको यहीं पर लेकर जाना है, आपको प्ले करके देख लेना फिर, और थोड़ा आपको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये ऐसा आएगा, ये हो जाने के बाद आप लोगों को और ज़्यादा इसमें चाहिए कि मतलब और ज़्यादा बेस जो आए, तो आपको ये बैंड लिमिट बैंड पास फिल्टर में जाना है, यहाँ पर भी सेम आपको इसी तरह से ऐसा कर देना है। ओके, तो अभी ये हेडफोन लगा कर मेरे को सुनना पड़ेगा, मैं हेडफोन नहीं लगाया हूँ। तो ये जैसे आपका इतना हो जाए, एक्चुअली में आपको एक ही बहुत हो जाएगा, ये वाला रेजोनेंट लो पास फिल्टर यही बहुत हो जाएगा। ओके, और फिर भी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कम है, तो आप ये दूसरा वाला भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जैसे हो जाए आपको
सुन लेना है आपके हिसाब से। मेनली तो यही पर ये हो जाता है बरोबर, और फिर भी आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हो। तो ये जैसे हो जाए यहाँ पर क्लिक करना है तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखो आउटपुट क्रिएटेड करके ऐसा आ गया। तो इसको हम लोग को बैक कर देना है पूरा। अब जाना है काइन मास्टर में, वही प्रोजेक्ट में आप जा सकते हो, वरना न्यू करोगे तो भी चलेगा। तो ये जो पुराना वाला म्यूज़िक था ये है, तो इसके ऊपर हम लोग वो वाला ऐड कर देंगे। फोल्डर ऑडियो इफेक्ट साउंड मास्टरिंग यहाँ पर मिल गया मेरे को, ये है, अरे ये वाला है। तो अभी क्या करना है, जहाँ तक आपको चाहिए, मतलब जहाँ तक आप लोग चाहते हो कि ये वाला इफेक्ट काम करे, वहाँ पर जाना है। समझ लो मेरे को ये इफेक्ट यहाँ तक चाहिए ये इफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम एनवलप पे जाऊँगा ऐसे। आप लोग को थोड़ा मतलब नॉलेज होना चाहिए काइन मास्टर का कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है आपको जो ट्रैक है जो आपका साउंड का, यहाँ पर आपको दिखेगा थर्ड ऑप्शन जो साउंड के बाजू में एक ब्रिक जैसा बना है ऊपर वॉल, उसके बाजू में जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन जाना है। और जहाँ पर भी आपको चाहिए कि इफेक्ट जो ख़त्म हो जाए, वहाँ पर जो मेन वाला ऑडियो है उस पर क्लिक करके ऐसा एक की फ्रेम लगाना है। फिर थोड़ा सा पीछे जाना है, एक और की फ्रेम लगाना है, वहाँ पे जाके इसको जो है पूरा डाउन कर देना है साउंड, और एकदम एंड में जाके फिर पूरा डाउन ऐसा कर देना है। ओके, तो ये वाला नीचे वाला जो लेयर है हमारा इफेक्ट वाला लेयर है, और ऊपर वाला सॉन्ग वाला लेयर है। तो सॉन्ग वाले लेयर पर हम लोग को इस तरह से साउंड को कर देना है। ओके, तो अभी मेरे को यहाँ से इधर तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इफेक्ट वाला लेयर है उसको ट्रिम कर दूंगा और आगे का पार्ट डिलीट कर दूंगा। तो अभी सुन के देखो। तो ये था पूरा ट्यूटोरियल, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक दो बार वीडियो देख लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। यही था जो मैं एंड्रॉयड एडिट्स में जितने भी थे मेरे, मैं करता था, मैं बताता था कि मेरा एंड्रॉयड एडिट है, तो यही था वो जो भी इफेक्ट था। तो समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं बहुत सारी लेके आने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।